राजधानी देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड बीजेपी ने देहरादून में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया था और इस बैठक में बीजेपी ने 75% वोट लेकर चुनाव जीतने का लक्ष्य रखा, जिसके तहत बीजेपी अब गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव की मद्देनजर पार्टी की निचली इकाई बूथ स्तर को सशक्त और समर्थ बनाने का प्रयास रहेगा। साथ ही इस गांव चलो अभियान के तहत पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जो हमारे सबसे नीचे के स्तर की इकाई है, बूथ इकाई, उसको सुदृढ़, सशक्त, समर्थ बनाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान ये तय किया है और इसके तहत हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण सभी एक बूथ पर 24 घंटे का प्रवास करेंगे।